नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा। आप देख रहे हैं देश विदेश के बाजार पर न्यूज प्लस 21 की खास पेशकश बाजारी हलचल। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 18,000 के नीचे। पेट्रोल डीजल पर लगातार मिल रही राहत, राजधानी रायपुर में आज पेट्रोल 101.88 रुपए लीटर। फोर्ड, वॉल्वो और मर्सिडीज समेत दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों का ऐलान, 2040 से नहीं बनाएंगे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां। यूजर्स के लिए जल्द ही सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करेगा इंस्टाग्राम, हर महीने देने होंगे 89 रुपए। जमकर बिकी सीएनजी कारें, 6 महीने के दौरान 11 मॉडल की 1,00,000 से ज्यादा यूनिट बिकी। एलन मस्क ने 1.1 अरब डॉलर का टेस्ला स्टॉक बेचा, ट्विटर फॉलोअर्स ने दी थी सलाह। नितिन गडकरी ने कहा, पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना जरूरी। क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक का रुख कायम, कहा क्रिप्टो करेंसी देश के हित में नहीं है, इससे अर्थव्यवस्था की स्थिरता के प्रति खतरा है। बैंक ऑफ बड़ौदा को दूसरी तिमाही में हुआ 2,088 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, बैंक के ग्रॉस एनपीए में आई कमी। कच्चे तेल में फिर गिरावट, पेट्रोल डीजल पर दिखेगा असर। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।